आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। क्षेत्र में कई सालों से काम न होने के चलते ईदगाह क्षेत्र किशनगढ़ कॉलोनी के बाशिंदों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने होर्डिंग्स लगाकर सरकार का पूर्ण बहिष्कार किया। कई सालों से चली आ रही समस्याओं का निस्तारण न होने के चलते क्षेत्रीय निवासियों ने परेशान होकर ये कदम उठाने का फैसला लिया। पिछले 20 साल से 6वीं परिषद में किशनगढ़ के लोग बदहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं, उसी का नतीजा है ये पोस्टर। पोस्टर है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये पोस्टर लगा दिया गया है उसको देखते हुए यहाँ पर जो योगी सरकार में जो कारनामे हैं, जो कार्य किए गए हैं, उसका जो भुगताना यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो जनता है किस तरह से परेशान है। और उन्होंने टोटल बहिष्कार कर दिया है जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, जिसको देखते हुए यहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे साथ कुछ यहाँ पर क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या समस्या है और ये पोस्टर किस लिए लगाया गया है, क्या समस्या है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमारी गली पिछले 20-22 साल से कोई इधर निर्माण नहीं, किसी का भी इस गली की तरफ कोई ध्यान नहीं। सिर्फ चुनावों के वक्त आए और हाथ जोड़ के चले गए, उसके बाद इस तरफ किसी ने देख के झांक कर देखा नहीं। आज आपके सामने स्थिति इस नाली की और गली की आपके सामने स्थिति है। बुजुर्ग यहाँ चल नहीं सकते, बच्चा यहाँ पैदल नहीं चल सकता, ठोकर खा खा के कई लोग चोटिल और गिर चुके हैं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काफ़ी दिनों से 20 साल से ये स्थिति बनी हुई है, उसको देखने हुए यहाँ पर कोई प्रतिनिधि या सांसद वगैरह यहाँ पर आए? कोई नहीं आया सर, जबकि कई बार हमने उनको ज्ञापन और पत्र भी दिए हैं, हमने उनको एक लेटर भी दिया कि इसका निर्माण कराया जाए, पर एक ही आश्वासन है कि आज निधि नहीं है, अभी निधि आएगी तो संपर्क करेंगे। इवन देन निधि नहीं है कोई बात नहीं, आदमी आके देख तो ले कि स्थिति क्या है। स्थिति देखने तो आए नहीं, निधि की बात तो अलग है कि हाँ साहब मैं आया और मैंने अपने क्षेत्र को देखा, मैंने निरीक्षण किया, हाँ यहाँ की हालत ख़राब है, मैं कुछ करता हूँ, ऐसा आश्वासन भी देने कोई बंदा किसी प्रतिनिधि कोई नहीं आया। अच्छा, इसको देखते हुए कि यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है, पोस्टर पर पूरी तरह से दिखाई दिया है, उसके क्या आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश आपको ये सब गली वालों ने, निवासी गणों ने यहाँ पे एक दूसरा दिखाते हुए कोशिश की है कि हम आने वाले किसी भी दल का, नाम नहीं ले रहा मैं, किसी भी दल का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और नोटा का प्रयोग करने की सोच रहे हैं। समस्या यही है कि सड़क यहाँ पे टूटी हुई है, पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं किसी ने भी सड़क का निर्माण नहीं कराया और हम लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण विरोध करते हुए, केवल हमारी यह है व्यक्तिगत, हम किसी राजनीतिक दल के विरोधी नहीं है, ना कोई विरोध कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, 1 राज्यसभा सांसद है, मेयर है, सब सरकार है, पूरी सरकारी मशीनरी होते हुए भी हमारी सड़क और नालियाँ नहीं निर्माण हुआ है। ऐसा क्या कारण है कि जो बीजेपी का, अगर शहर बीजेपी का गढ़ होने के बावजूद भी इस तरह की बदहाल वाली स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं, तो ऐसी क्या वजह है यहां पर जो देखा जा सकता है कि ज़्यादातर बीजेपी का वोट बैंक यहां पर मौजूद है, उसके बावजूद भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही? सर, केवल कागजों में निर्माण हो जाता है, अखबारों में छप जाता है यहाँ का निर्माण हुआ, यहाँ का फीता कटा, बाकी आप खुद ही देख सकते हैं क्या स्थिति है यहाँ। ये बात तो आप उन्हीं लोगों से पूछिए, जनप्रतिनिधियों से पूछिए कि आप इतना पैसा, इतना अवमुक्त हो रहा है सरकारी और अब स्थापना निधि और सार निधि खत्म हो रही है, वो कहाँ लग रही है, आप खुद देखिए। ये तो छोटा सा उदाहरण है, पूरे शहर की यही हालत है। तो आपने देखा कि क्षेत्रीय लोग किस तरह से यहाँ पर जो पिछले 20 साल से बदहाली वाली ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, और उसको देखते हुए यहाँ पर एक पोस्टर भी उन्होंने चस्पा कर दिया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जिस तरह से यहाँ पर जो कार्य है वो नहीं हो रहा, उसको देखते हुए इनका जो गुस्सा है वो एक पोस्टर के जरिए दिखाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये एक आने वाले चुनावों में एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक क्षति कह सकते हैं इसको, जिस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी पीड़ित हैं और कई सालों से ये बदहाल वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। अपने साथी राजीव के साथ गोपाल शर्मा, सी न्यूज़ आगरा।